तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? ऐसा करते हैं कि अच्छे हैं दोस्तों, और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है। अगर नहीं भी चल रही है तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपकी तैयारी को एकदम बेहतर बना दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम राजू मंडल है और मैं खुद एक रेलवे स्टूडेंट हूँ, आपकी की तरफ प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और मैंने जो है पढ़ाई में 3 साल गैप करने के बाद भी मैं अभी वहां तक पहुंच चुका हूँ दोस्तों, कि मेरा अभी एवरी टेस्ट में 70+ स्कोर आता है। अगर आप लोग भी लाना चाहते हैं सेफ स्कोर, और इस बार जो है 2019 का जो फॉर्म फिल हुआ था उसमें आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, 2022 में एग्जाम होने वाला है, तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए। तो पहला पॉइंट में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों कि मैंने कैसे जॉब छोड़ी, उसके बाद मैंने कैसे तैयारी करना शुरू किया, मैं कैसे तैयारी करता हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूंगा, आप लिंक में जाकर जो है वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ दूसरा नंबर पॉइंट, कि जो है हम लोग जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले हमें वो चीज अच्छा से क्लियर रहना चाहिए कि क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग को सबसे पहले इसका जो सिलेबस है, जो कि RSC के द्वारा दिया गया था, उसका जो नोटिफिकेशन आया था उसमें अटैच था, तो वो आप लोग को निकाल लेना है। और उसके बाद देखना है कि मैं आप लोग को दिखा दूं, ये जो है देख सकते हैं आप लोग, ये सिलेबस है हम लोग का, और इसको आप लोग का हार्ड कॉपी आप लोगों के पास रहना चाहिए, ठीक है? तो उसके बाद आप लोगों को हार्ड कॉपी रखना है और देखना है इसका टॉपिक क्या क्या है। हमें बस टू द पॉइंट पढ़ना चाहिए। हम लोग का जो एग्जाम है ये 10th बेसिस का एग्जाम है, बाहर का कुछ आएगा नहीं। आप लोग खाली माइंड को फ्री रखिए, ये चीज जो है ना, ये फ्री रहना चाहिए दोस्तों। अगर ये फ्री नहीं रहेगा, आप लोग सोचेंगे क्या पढ़ना है यार, क्या होगा, इतना खतरनाक एकदम एग्जाम होगा, तब तो नहीं होना है। आप लोग ये मत सोचिए कि जो NTPC का कट ऑफ इतना हाई है, इसका कट ऑफ हाई जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका कट ऑफ उतना हाई नहीं जाएगा, क्योंकि इसका मेन रीजन है कि इसका जो वैकेंसी भी बहुत ज्यादा है, और 2019 में फॉर्म फिल हुआ है, तब बहुत सारे जो लोग है अभी मायने में बहुत सारे लोग फॉर्म नहीं फिल किए थे, क्यों? और ऐसे भी बहुत सारे लोग फिल किए हैं जो 2018 में सिलेक्शन ले चुके हैं ऑलरेडी, वे लोग भी भाई लोग जो हम लोग के सीनियर है, वो लोग फॉर्म फिल कर चुके थे, जो इस साल एग्जाम नहीं देंगे। एग्जाम नहीं देने का बात ये भी है, क्योंकि जो 2019 में ही अगर एग्जाम हो जाता तो वो लोग देते, बट अभी एग्जाम इसलिए नहीं देंगे क्योंकि वो लोग ज्वाइनिंग कर चुके हैं। ज्वाइनिंग के बाद हर साल या 2 बार जो है इंक्रीमेंट होता है सैलरी में। अगर अभी वो लोग फिर से एग्जाम देते हैं और इसमें अगर ज्वाइनिंग करते हैं तो फिर वो लोग को जो सैलरी मिल रही है अभी उतना भी नहीं मिल पाएगा, इसीलिए वो लोग अभी एग्जाम नहीं देंगे दोस्तों, मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ। और अभी एग्जाम देने से भी वो लोग का अभी 2-3 साल से गैप हो गया है। एक्चुअली में काम के दौरान उतना पढ़ाई नहीं हो पाता है जितना आप अगर घर में रहेंगे फ्री तब पढ़ाई होता है, तो आप लोग टेंशन का मत लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस को लेकर, आज का टॉपिक है तो सिलेबस को लेकर बात करते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये मेरे पास सिलेबस है मेरे हाथ में, तो मैं पढ़ के बताता हूँ। सबसे पहले तो जैसे मैथमेटिक्स में आप लोग देख रहे हैं, हम लोग के पास नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रिपरेशन, सारा चीज का बेसिक क्लियर करना है, ठीक है? खाली बेसिक क्लियर कर लो, और जो प्रीवियस ईयर में आया है यानी 2018 में जो एग्जाम हुआ है उसमें से सिर्फ प्रैक्टिस कर लो, बस इतना है ना। अगर इतना आप लोग करके जाते हैं तो 100% आपका गारंटी है कि आप लोग का वही एग्जाम में आएगा, बस खाली उसका न्यूमेरिक चेंज होकर रहेगा। आपको बस बेसिक आइडिया रहना चाहिए कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आना है और ऐसा हम लोग को लिखना है, ऐसे आंसर देना है, बस इतना ही है। दूसरा, में जैसे बात करते हैं हम लोग का इंटेलिजेंस रीजनिंग, रीजनिंग हम लोग का सबसे ज्यादा मार्क का है दोस्तों, 30 मार्क्स का आएगा एग्जाम में। इसमें जो है ज्यादातर सब इजी है, जैसे कि एनालॉजी व अल्फाबेटिकल। अल्फाबेटिकल में आप लोग को बता दूं, जैसे ABCD ये सब का जो नंबर हम लोग को याद रहना चाहिए, जैसे B 2 में आता है, J 10 में आता है, तो ऐसे K आपका J 11 में आता है, तो इस टाइप से आपको याद रहना चाहिए, तब जाके आप जल्दी से इसको बना सकते हैं। इसमें जो थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है आपका कौन सा है, जैसे सायोलॉजिज्म है आपका, जो ये है क्या बोलते हैं कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग, ये सारा थोड़ा सा रीजनिंग में ज्यादा हार्ड है, इसको आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, आपका जो है ज्यादा तर क्वेश्चन मतलब सही होगा इसका। इसका मेरा भी बहुत हद तक सही होता है, बट गलत भी हो जाता है कभी कभी। मैंने ज्यादातर इसका प्रैक्टिस वही प्रीवियस ईयर से किया है। 2018 में दोस्तों इतना शिफ्ट में एग्जाम हुआ था ना कि आप बोलिए मत, और ज्यादातर एग्जामिनर जो होता है इससे ज्यादा क्वेश्चन बना ही नहीं सकता है, इसीलिए प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए, क्योंकि 100% में से कम नहीं तो 75% तो क्वेश्चन वहीं से आएगा दोस्तों। खाली इधर उधर थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप चेंज कर देगा, क्वेश्चन वही आना है, क्योंकि 10th बेसिस का एग्जाम है, और 10th बेसिस पे जितना क्वेश्चन बन सकता है उतना वो लोग बना चुके हैं, और कितना क्वेश्चन बनाएगा, क्वेश्चन वही आना है। क्वेश्चन तो दूसरा की तब चेंज नहीं हुआ है, एग्जाम भी उस टाइम जो हुआ था तब जो बुक था अभी भी वही बुक है। तो इसीलिए जो है सबसे पहले मैं इम्पोर्टेंट बता दूं कि हम लोग के लिए प्रीवियस ईयर मोस्ट इम्पोर्टेंट है,
प्रीवियस ईयर में आप लोग को कौन सा बुक खरीदना चाहिए, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप लोगों को मैं बता दूंगा कि साइंस के लिए कौन सा बुक चाहिए, जीके के लिए कौन सा चाहिए, मैथ के लिए कौन सा चाहिए, रीजनिंग के लिए कौन सा चाहिए। तो अभी फिलहाल जो है सिलेबस डिस्कशन का बात है, सिलेबस में देख लीजिए। जैसे उसके बाद जो जनरल साइंस, जनरल साइंस में हम लोग को लिख दिया है कि द सिलेबस अंडर द सेल कवर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल सीबीएसई। तो जैसे कि साइंस में भी वही 10th बेसिस पे एग्जाम में आना है, तो 10th बेसिस पे मैं आप लोगों को एकदम बता दे रहा दोस्तों कि आप लोग अभी तो उतना फिलहाल समय नहीं है कि हम लोग एनसीईआरटी को पढ़ के खत्म कर सके। अगर आप लोग के पास एनसीईआरटी है तो आप लोग उसको अगर अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं तो उसको पढ़ लीजिए दोस्तों, ज़्यादा बेटर है। मतलब सारा क्वेश्चन जो है वहीं से आता है, हम लोग का जो रेलवे मतलब एनसीईआरटी जो है उसको ही सही मानता है, उसके अनुसार ही क्वेश्चन को पैटर्न मतलब उसी के आधार पर बनता है, और उसमें जो आंसर दिया रहता है वही ज़्यादातर सही रहता है दोस्तों। और जो ये जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर है ये बहुत कम मार्क का है दोस्तों। अगर आप लोग का ये तीनों सब्जेक्ट यानी कि मैथ रीजनिंग साइंस कंप्लीट है तो ही आप इसमें जा सकते हैं जो जनरल अवेयरनेस है, वरना आप इसमें मत जाइए, क्योंकि ये जो है 20 नंबर का आएगा। इसमें भी कोई गारंटी नहीं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि करंट अफेयर जो है एक समुद्र है और वहाँ समुद्र से कहीं से क्या क्वेश्चन डाल देगा ये तो बहुत दिक्कत है। इसलिए अगर आप लोग का तीनों सब्जेक्ट जो है मैथ साइंस और रीजनिंग कम्प्लीट है तो आप जनरल अवेयरनेस में जा सकते हैं, और अन्यथा आप उसमें मत जाइए। इन तीनों के आधार पर भी हम लोग एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। मैं भी पहले जो है इन तीनों को बेस किया, अभी मेरा ये तीनों जो है थोड़ा सा मजबूत हो चुका है। अभी फिलहाल मैं जनरल अवेयरनेस पे थोड़ा थोड़ा मतलब जा रहा हूँ, उसको ध्यान दे रहा हूँ, उसको देख रहा हूँ, तो उसमें जो है ज़्यादातर मैं पढ़ता जितना हूँ उसका आउटपुट थोड़ा कम ही आता है। क्वेश्चन बहुत ही इधर उधर का देखने को मिलता है, टेस्ट में भी ज़्यादातर जो क्वेश्चन है मेरा रॉन्ग यहीं से होता है, और जो ज़्यादा स्किप भी कर देते हैं हम, रॉन्ग उतना नहीं करते हैं, जो मेरे को डाउट लगता है वो हम स्किप कर देते हैं। और हाँ दोस्तों, सिलेबस के लिए तो हम लोग बात कर चुके हैं, मैं आप लोग को बता दूँ कि इसके बाद टेस्ट कैसे देना है उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना लूँगा। अब मैं यहाँ तक भी आप लोग के लिए करूँगा कि एक वीडियो जो है टेस्ट में खुद जब देते रहूँगा उसका एक वीडियो पूरा 1.5 घंटा का आप लोग के लिए बनाने वाला हूँ, कि आप लोग को उस टाइम में बताते भी रहूँगा कि आप लोग को किस टाइप से कब कौन से क्वेश्चन को स्किप करना है, कौन से क्वेश्चन को मतलब आते हुए भी छोड़ना है, कब उसको बनाना है, इस टाइप से। अगर क्वेश्चन को हम लोग किस टाइप से मतलब बनाए कि 90 मिनट्स में हम लोग जो है 100 क्वेश्चन को 2-3 बार तक दोहरा सके, तो मैं इसलिए इसके मतलब इसको लेकर एक वीडियो लाने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए दोस्तों, और यूट्यूब को मेरा सब्सक्राइब करिए, और जो है उसका बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, तब जाके आप मैं जब भी वीडियो पोस्ट करूं तो आपके जो है यूट्यूब पे वो नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू।